आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठा मैं बस अपनी निगाहें डिस्प्ले की ओर घुमाए जा रहा था, जहां अभी तक मेरे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। दरअसल मैं करीब 6 सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा हूँ, जहाँ मुझे छुट्टियाँ बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, ट्रेन नहीं आने पर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है, तो मैं चुपचाप वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं भी ट्रेन में एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन ठीक सुबह के 11 बजे खुल गई। अगर ट्रेन और लेट ना करे तो मैं ठीक 2 बजे तक नानी घर के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं 2 बजे तक उस स्टेशन पर उतर गया और रिक्शा करके नानी के घर आ गया, जहां सभी से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, खासकर अपने मामा से मिलकर। मैं अपने मामा के काफ़ी करीब था। अभी मैं और मामा बातें कर ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, विपुल, आज रात को मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो तू भी चलेगा मेरे साथ? इस पर मैंने बिना सोचे समझे ही मामा को हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी मामा के साथ मछली पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगता था। दरअसल मेरे मामा नाव लेकर नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ा करते थे और सुबह होते ही उन मछलियों को बाजार में बेच आते। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और अंधेरा होते ही रात का खाना लेकर नदी के पास आ गए, जहां मामा ने मुझसे कहा, विपुल, तू नाव में बैठ, मैं रस्सी खोल कर आता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं नाव में चढ़कर बैठ गया और मामा भी रस्सी खोलकर नाव में आ गए। हमारा नाव काफ़ी छोटा था, जिसमें बस 2 लोग ही आराम से बैठ या सो सकते थे। मामा नाव को चप्पू के सहारे चलाए जा रहे थे। चलते चलते हम घाट से काफ़ी दूर आ गए थे, मगर अभी तक हमें एक भी मछली नहीं मिली थी। जिस पर मामा ने कहा, लगता है कोई नाव अभी अभी मछली पकड़कर गया यहाँ से, इसलिए मछली नहीं मिल रही। जिस पर मैंने कहा, तो क्या करें मामा अब? इस पर मामा ने कहा, हम लोग नाव को अभी किनारे पर लगा देते हैं और सो जाते हैं, फिर आधी रात को उठकर मछली पकड़ेंगे। ये तो सच बात थी कि मछलियाँ आधी रात को ही ज़्यादा मिलती हैं। मामा ने नाव को किनारे ले आए और नदी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। वो जगह जहां अभी हम थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी उस जगह से। देखने से तो वो जगह काफ़ी डरावनी मालूम पड़ रही थी। जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा, कुछ अजीब नहीं लग रहा यहाँ? जिस पर मामा ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने पूछा, मामा, आप तो रात रात भर नदी में घूमते रहते हैं ना, आपने कभी भूत भूत देखा है? जिस पर मामा ने कहा, नदी में नहीं मगर देखा है। इतना सुनने के बाद मैं अब कहाँ चुप रहने वाला था। जिस पर मैंने मामा से कहा, आपने कहाँ देखा है और कब देखा है? इस पर मामा ने बताना शुरू किया। दरअसल आज से करीबन 4 साल पहले की बात होगी। उस दिन भी मैं शाम को ही मछली पकड़ने घर से निकल आया था, मगर उस शाम मुझे काफ़ी सारी मछलियाँ मिल रही थी और ठीक रात के 10 बजे तक मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लीं। गर्मी का मौसम होने के कारण मैंने तय किया कि जल्दी ही जाकर इन मछलियों को बाजार के दुकानदारों को बेच आता हूँ। ये तय करने के बाद ही मैं अपने घर आ गया और अपनी साइकिल पर सारे मछलियों को लेकर निकल गया। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था।
सन्नाटा इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि रात कीड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रास्ते पर आदमी तो दूर, कोई कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी साइकिल भारी होने लगी और मैं अब दो आदमियों का भार साइकिल पर महसूस करने लगा। मगर ऐसे कैसे हो सकता था, मैं तो अकेला ही जा रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे की ओर से कुछ चबाने की आवाज़ें आने लगी। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी और वो औरत मेरे थैले में से मछलियों को निकाल कर चबाए जा रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, जिस कारण साइकिल से मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं वहीं गिर गया। साइकिल से गिरते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और मेरे मछली से भरे थैले को लेकर जंगल के भीतर चली गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत के पीछे जा सकूं, लिहाजा मैंने अपना साइकिल उठाया और काफ़ी तेज़ी से घर की तरफ भागने लगा। उस दिन शायद मछलियों की वजह से ही मेरी जान बच गई, वरना उस रात वो औरत मुझे चबाती। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो एक पिशाचनी थी जो उस रास्ते के एक बड़े से इमली के पेड़ पर रहती है। मामा जी की आप बीती खत्म होते ही हमने रात का खाना खा लिया और नाव पर ही लेट गए। लेटते ही मामा जी के खर्राटों की आवाज़ ने मेरे कानों में दस्तक दिया। मैं भी अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करके सोने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते मेरी पलकें भारी होने लगी और नींद ने मुझे भी अपने आगोश में ले लिया। फिर काफ़ी तेज आवाज़ से मेरी आँख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाकता हो गए। दरअसल ठीक हमसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर उसके धड़ से अलग उसके हाथों में था। वो कटा हुआ सर बस मुझे ही देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो शैतान चलकर हमारे नाव के पास आया और हमें करीब से देखने लगा। मैं किसी लाश की तरह चुपचाप नाव पर ही लेटा हुआ था। काफ़ी देर नाव के पास खड़े रहने के बाद वो शैतान वापस से उस पेड़ पर जाकर बैठ गया और एक टक हमें घूरने लगा कि तभी सारी बातों से अचानक मामा जी उठकर बैठ गए। उन्हें देखकर वो शैतान वापस से हमारे पास आ गया और मामा जी का गला पकड़कर नाव से खींचकर ले जाने लगा। ये देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मामा ने चिल्लाकर कहा, विपुल नाव के अंदर एक पोटली में बबूत है, उस बबूत को इस शैतान के ऊपर छिड़क। मामा की इस बात को सुनकर मैं भागकर नाव के पास गया और पोटली ढूंढने लगा। वो शैतान मामा जी के गले को इतनी तेज़ी से दबा रहा था कि मामा जी पूरी तरह से छटपटाने लगे थे कि तभी मुझे वो पोटली मिल गई। मैंने झट से उस पोटली को खोला और उसमें से भभूत निकालकर उस शैतान के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो शैतान हवा में धुआं हो गया। हमने भागकर नाव की रस्सी खोली और नाव लेकर अपने घाट पर आ गए। सुबह हमें पता चला कि वो आदमी एक राक्षस था जो आए दिन रात के वक्त दिख जाया करता है और मौका मिलने पर लोगों को मार देता है। गांव के कई मछुआरों को उस शैतान ने अपना शिकार बना लिया है। उस रात तो हमारी जान बच गई, लेकिन मैं और मामा जी अभी भी उस हादसे को याद करके सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो
तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।